दोस्तों, जैसे जैसे 2022 करीब आ रहा है, वैसे वैसे तुर्की एक नए तुर्की की तरफ बढ़ता जा रहा है और देश में कोई ना कोई बड़ा बदलाव करता जा रहा है, चाहे वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में बदलाव हो या कोई और चीज़ में। इसी तरह अभी कुछ दिनों पहले तुर्की ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसमें तुर्की ने अपने देश का नाम ही बदल डाला है। दोस्तों, अब बात की जाती है कि आखिर तुर्की ने अपने देश का नाम क्यों बदला है, इसकी क्या वजह थी और अब तुर्की का नया नाम क्या है। दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों, तुर्की या टर्की का नया नाम तुर्की है, जिसका मतलब रजब तैयब एर्दोगान ने बताया कि तुर्की नाम देश के कल्चर और वैल्यू को बताता है और तुर्की मतलब तुर्कों का देश भी है। तुर्की का नाम अब पूरी तरह से बदल चुका है और नया नाम तुर्की हर जगह पर लिखा जा चुका है। वहाँ की सरकारी वेबसाइटों पर और वहाँ के एम्बेसी पर भी आपको द रिपब्लिक ऑफ तुर्की देखने को मिलेगा और रजब तैयब एर्दोगान ने दुनिया के सारे देशों से अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने को कहा है कि तुर्की नहीं, अब से तुर्की होगा। उनके देश के इस नए नाम को हर जगह पहुंचाने के लिए तुर्की गवर्नमेंट ने हेलो तुर्की नाम से कई हैशटैग भी वायरल किए हैं और इसके साथ ही साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि टर्किश लैंग्वेज में तुर्की को तुर्की ही बोला जाता है, यानी वहां के लोग तुर्की नहीं बल्कि तुर्की ही बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसे तुर्की ही कहा जाता है और इसी वजह से रजब तैयब एर्दोगान का मानना है कि उनके देश को उनके ही लैंग्वेज में तुर्की ही बोला जाए, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में तुर्की। दरअसल सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने तुर्कों को तुर्की देश का नाम दिया था, जो कि एक इंग्लिश नेम है, लेकिन अब रजब तैयब एर्दोगान का मानना है कि वो यूरोपियन की तरफ से दिए गए नाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरी एक बड़ी वजह यह भी है कि तुर्की मेड इन तुर्की के नाम से अपना एक ब्रांड भी बनाना चाहता है, क्योंकि ये एक मशहूर देश है और बहुत सी चीजें भी मशहूर हैं इस देश की, और यही वजह है कि ब्रांड के जरिए लोग अपने देश में बना हुआ सामान खरीद सकेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी अच्छी हो सकेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ मुल्क इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। सऊदी अरब के एक बड़े जर्नलिस्ट ने ट्वीट करके कहा कि तुर्की ने अपने देश का नाम शर्म की वजह से बदला है, क्योंकि तुर्की एक परिंदे का नाम है जिसको अमेरिका में काट कर खाया जाता है और ये किसी देश के लिए बड़े शर्म की बात है, लिहाजा यही वजह है कि तुर्की ने अपना नाम बदल कर तुर्की रख लिया है। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान ने बताया कि तुर्की नाम रखने की बहुत सारी वजह हैं और तुर्की नाम उनके कल्चर को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, तुर्की में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो कि शायद 2023 की तैयारियां हैं। दोस्तों, इस नाम को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।